दलों के बिखरने के बाद अस्तित्व में आई जननायक जनता पार्टी में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें अजय सिंह चौटाला के पिछले 30 वर्षों से करीबी रहे और वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव उमेद सिंह लोहान को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। उसका कारण जो कि पार्टी की तरफ से बताया गया है, उसमें उनके द्वारा पार्टी के विरुद्ध की जा रही गतिविधियां और देवीलाल के जन्म दिवस पर आयोजित किए जाने वाले समारोह में लगाई गई ड्यूटी में कोताही को बताया गया है। आज से कुछ रोज पूर्व टिकट ना मिलने से नाराज चल रहे उमेद सिंह लोहान ने नानोद हलके के सिसाए गांव में एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने जेजेपी के दुष्यंत चौटाला पर सवालिया निशान उठाए थे और साथ ही कहा था कि इस यज्ञ के माध्यम से हम चाहते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो ताकि वह जन भावना का आदर करते हुए फैसला ले। आज जेजेपी की तरफ से उमेद सिंह लोहान को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उमेद लोहान ने इसे गैर संवैधानिक करार दिया है। उनका कहना है कि उन्हें नोटिस मिला था, वह भी असंवैधानिक था और उस पर राष्ट्रीय महासचिव के हस्ताक्षर नहीं थे। साथ ही उमेद लोहान ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर के सी बांगड़ के साथ हुई बातचीत का ऑडियो भी मीडिया के सामने जारी किया, जिसमें वो इस सारे प्रकरण से अपने आप को किनारा करते नजर आए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। ठीक सो? ठीक बढ़िया भाई। आपने ये कोई लेटर भेजा मेरे पास है। वो मेरे नाम से भेजा है, किसने भेजा नहीं तो मैंने भेजा नहीं। इसको तो किसे नीचे आपका नाम छापकर जयप्रकाश के साइन है किसी की? नहीं, वो एमपी साहब ने फोन किया था मेरे को। अच्छा, ये आपके नाम से आप जनरल सेक्रेटरी हो नेशनल के सेक्रेटरी को एक नोटिस देना है। अच्छा, मुझे दे दो, मगर मन क्या करना है मगर ना। आप तो डॉक्टर साहब खुद इन चीजा गए अकमर है, वो मन उठाई है, ये तो कमेटी है, वो उसका टीका है, उसका तो अनुशासन कमेटी का तो रणधीर टीका बना रखा है इन्होंने अनुशासन कमेटी का, जिसके पास क्यों मामला उसके अनुसार जाना चाहिए। और आप तो इस गोतमाला मामले में खिलाफ रहे हो। मेरा तो भाईचारा है, मैं इन पंगे में पड़ जानी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई, आप तो उस विचारधारा के भी समर्थक रहे हो जो इस तरह की गाली देनी है। फोन करके पार्टी का नेता फोन करके कह दे एक नोटिस जारी करे, कर दे भाई। मैं को ना करो ना, जो अथोराइज्ड है पार्टी के संविधान के अनुसार वह कमेटी बन रही है तो उनका जवाब दे दिए, ये अथोराइज नहीं है, जो अथोराइज है वो उसका जवाब दूंगा मैं। मैं तो खैर दूंगा जवाब, लेकिन आप भी तो मेरी जिम्मेवारी ना तो मैंने दस्तखत करे। हाँ जी, अब मेरे को टेलीफोन में बताया जरूर था उन्होंने। अच्छा, तो आपने इतना प्रेशर मान की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब, जब आपका काम में को नहीं हूँ। अरे मैं दूसरा भाई हूँ, मैंने क्या निकल है तो मैं तो कहूँ हो भाई, भाई ना भाई के सामने खड़ा करने लायक रे काम भाई, वो भी साथ में खातर है, वो भी किस खातर डॉक्टर साहब। मैं तो तेरी सारी बात से सहमत हूँ, तेरी निर्णय हूँ मैं तो। चलो डॉक्टर साहब ठीक है, मैं तो तेरे साथ हूँ, तेरा भाई हूँ, हर भाई रहूंगा। ठीक है डॉक्टर। हेलो। हाँ जी, मेरी तरफ का गला शिकवाना चाहिए कोई भी। ठीक है जी, फिर आप भी आकर फिर इन कह दिए उनको मेरा काम होंगे भाई। मैं कह दूंगा, मैं फोन पर बात कह दी कर दी, मैं कह दो कर लो भाई, मन मन में क्या करना है, मैं साइन करूं या मैं कोई करूं जब तो फिर मैं जिम्मेवार हूँ। ठीक है, सारी मर्जी है। ठीक है डॉक्टर। सिसाए में सद्बुद्धि यज्ञ के नाम से एक प्रोग्राम किया था रविवार को, उस सिलसिले में पार्टी ने एक इलीगल तरीके से मेरे पास नोटिस भेजने का काम किया था परसों शाम को 7-8 बजे। उसका जवाब देने के लिए और उसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन उस नोटिस का
जैसा भी वो था वैध अवैध, उसका टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से पहले ही मेरे को 6 साल से पार्टी से निकालने का काम जननायक जनता पार्टी के लीडरों ने किया है। जो नोटिस मेरे को मिला है, आपको कॉपी भी दी गई है, उस पर नाम तो डॉक्टर कृष्ण बांगड़ का था जो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, लेकिन उस पर साइन किसी जयप्रकाश के थे जो ऑफिस में काम करता है हिसार के में। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और कार्यालय है जो राष्ट्रीय वो 18 जनपद दिल्ली है, वहाँ से मेरे को लेटर इशू होना चाहिए था। और जो कमेटी इस चीज़ के लिए बनी हुई है पार्टी के संविधान के अनुसार, उसके पास ये मामला जाना चाहिए था। यदि वो उचित समझती तो मेरे को नोटिस देती, नोटिस के लिए पर्याप्त समय देना था, उसको जवाब को देख के और उस जवाब के आधार पे फिर कोई निर्णय कमेटी को करना था। लेकिन इन्होंने तो जल्दबाजी में तो उस पर डेट लिखी जानबूझ के और उसको रात को भगा के चले गए और आज सुबह पार्टी से निकालने का काम कर दिया। यदि उनकी ऐसी मनसा थी तो इस तरह ये भोंडापन दिखाने की बजाय तो मेरे को कह देते, मैं छोड़ देता पार्टी नहीं। जब ये सिद्ध कर दिया गया है कि ये एक पार्टी है जो ये एक परिवार की पार्टी है, एक आदमी अपनी मोनोपोली डिक्टेटरशिप चला रहा है, इसकी कोई नीति नहीं है, कोई संविधान नहीं है, तो फिर इस पार्टी को लेके चैलेंज करने वाला कोई ज़रूरत मैं समझता नहीं। ये जो प्रकरण तमाम हुआ निलंबन का और उससे पहले नोटिस का, क्या इस दौरान आपके पुराने साथी रहे हैं जैसे मुझे उनसे कोई मुलाकात करने? नहीं, उनसे मुलाकात तो इनकी मर्जी से ही होती है, विशेषकर जब वो जेल में हों तो वहाँ जो अधिकारी हैं वो परिवार के बिना किसी की मुलाकात नहीं करवा सकते। आगे उमेश सिंह लोहान क्या है? अब जो हुआ वो भी मैं नहीं करना चाहता था, और समय स्थिति और परमपिता परमेश्वर तय करेंगे क्या होगा। चुनाव लड़ेंगे या फिर इस पर भी विचार करने का कोई है समय समय समय? चुनाव साथियों ने कहा, लोगों ने कहा तो ज़रूर लड़ूंगा, और यदि लोग और साथी चुनाव लड़वाने के लिए तैयार ना हुए तो अलग बात है, लेकिन मेरी इच्छा है मैं लड़ूँ। चर्चाएँ कांग्रेस की? चर्चाएँ तो चलती हैं राजनीति में हर तरह की, चाहे तो जब आपको अपनी पार्टी निकाल देती है तो कोई ना कोई चर्चा तो चलेगी। चर्चा चलेगी तो उसको संभावनाएं भी क्या कुछ इस तरीके की संभावनाएं हैं या? संभावना तो सारे विकल्प खुले हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।